ఈ రోజు ఈ సభకు విశిష్ట అతిథిగా విచ్చేసిన శ్రీ మిస్ మోనికా అరోరా గారిని మాట్లాడవలసిందిగా కోరుతున్నాం. కేసే శురువాత్ కరు. कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए. सिर्फ हंगामा खड़ा करना हम सबका मकसद नहीं, हमारी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए. और तेरे सीने में नहीं तो मेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए, राष्ट्रवाद की आग जलनी चाहिए. वो है जेएनयू, बौद्धिक आतंकवाद और राष्ट्रवाद. बौद्धिक आतंकवाद हम सबने सहा है, प्राइमरी एजुकेशन से हायर एजुकेशन तक हम सबने भुगता है, मैंने स्वयं सहा है. उदाहरण देना चाहूंगी, 2008 दिल्ली यूनिवर्सिटी बीए पास कोर्स, टॉपिक पढ़ाया जा रहा है एंशियंट कल्चर इन इंडिया. उसमें एक चैप्टर है 300 रामायणास बाय ए के रामानुजन. क्या पढ़ाया जा रहा है उसमें? उसमें पढ़ाया जा रहा है कि भारत का एंशियंट कल्चर कैसा था. पहला वाक्य क्या कहता है? रावण की छींक से सीता पैदा हुई. रावण सीता का बाप था. रावण ने गर्भ धारण किया, 8 महीने के बाद उसको छींक आई, उसके नाक से सीता पैदा हुई. दिल्ली यूनिवर्सिटी बीए पास कोर्स, कंपल्सरी सब्जेक्ट. लक्ष्मण और सीता के अनैतिक संबंध थे और हनुमान रात को लंका के शयन कक्षों में विचरा करते थे. जब ये बात ध्यान में आई तो हमने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. हमने कोर्ट से कहा कि ये इंसल्टिंग है, डेरोगेटरी है, डिफमेटरी है, इट हैज टू गो. कोर्ट टोल्ड अस, व्हाई डोंट यू बी मोर टॉलरेंट. कोर्ट ने हमें कहा कि ये एजुकेशन का मामला है, यूनिवर्सिटी का मामला है, कोर्ट इसमें इंटरफियर नहीं करेगी. हम सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस के जी बालाकृष्ण, नो 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 नो, वी कैन नॉट इंटरफियर, यूनिवर्सिटी हैज टू डिसाइड दिस. कोई जज साहब ये नहीं देख पा रहे कि यूनिवर्सिटी यानी वो मार्क्सवादी शक्तियां यूनिवर्सिटी में बैठी हुई हैं जो एंटी हिंदी, एंटी हिंदू, एंटी देश काम करने में लगी हुई हैं. हमने एक लिबर्टी ली सुप्रीम कोर्ट से कि हम जाएं और वाइस चांसलर को ये बात बताएं. बार बार लगातार हम लोग वाइस चांसलर साहब के पास गए. उसके बाद एकेडमिक काउंसिल में हम में से कुछ राष्ट्रवादी प्रोफेसर्स ने इसको एजेंडे में डाला, उठाया और इस चैप्टर को कोर्स से सदा के लिए हटा दिया गया. यहां तो तालियां बजी, तब क्या हुआ? तब राष्ट्रीय न्यूज चैनल से लेकर, राष्ट्रीय समाचार पत्रों की हेडलाइन से लेकर न्यूयॉर्क टाइम्स और बीबीसी तक क्या कहा गया? सेफ्रनाइजेशन ऑफ एजुकेशन, तालिबानाइजेशन ऑफ एजुकेशन, एक्सप्रेशन राइट टू स्पीच अंडर थ्रेट इन इंडिया, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर आघात हो रहा है. कौन कर रहा है ये आघात? ये आघात कर रहे हैं हिंदू फ्रिंज एलिमेंट्स. आईसीएसई बोर्ड की किताबों में ये जो भगत सिंह की यहां तस्वीर बनी है, इन भगत सिंह को, सुभाष चंद्र बोस को, लोकमान्य तिलक को मिलिटेंट, एक्सट्रीमिस्ट, टेररिस्ट लिखा जाता था. हमने जज साहब से कहा, जज साहब आप अपने पोते को क्या बताएंगे कि दो तरह के टेररिस्ट होते हैं, एक होते हैं अच्छे टेररिस्ट जैसे भगत सिंह, एक होते हैं बुरे और खूंखार टेररिस्ट जैसे ओसामा बिन लादेन. जज साहब को समझ में आया, एनसीईआरटी को तब भी समझ,
नहीं आया। एनसीईआरटी ने कहा अपने जवाब में, दीज आर द कंजर्वेटिव ऑब्स्क्यूरेंटिस्ट पीपल आउट टू टेक इंडिया इन द बुलक कार्ट एज। अब तक हमें इस बौद्धिक आतंकवाद की आदत पड़ चुकी थी। जय साहब ने डायरेक्शन दिया, मैं समझ गया हूं, और एनसीईआरटी इमीडिएटली आईसीएसई बोर्ड ये शब्द बदलो, भगत सिंह टेररिस्ट नहीं हो सकते, आज के बाद फ्रीडम फाइटर क्रांतिकारी शब्द का ही इस्तेमाल होगा। ये सब केसेस जब किए तो एनडीए गवर्नमेंट सत्ता में नहीं थी, ये सब केसेस जब लड़े, फाइल किए, फाइट किए, जीते, वो यूपीए की सरकार थी। हम राष्ट्रवादी शक्तियां ना किसी सत्ता की मोहताज हैं, ना किसी सरकार की मोहताज हैं, क्योंकि जिंदगी तो अपने दम पर ही जी जाती है, दूसरों के कंधों पर तो जनाजे ही उठा करते हैं। परंतु विचारधारा की लड़ाई में अगर आपको विचारधारा का सच्चा चरित्र देखना हो तो उसको तब मत देखो जब वो विपक्ष में है, उसको तब देखो जब वो पक्ष में है और सत्ता में है। आज जो लोग अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करते हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते हैं, वो वेस्ट बंगाल में क्या करते हैं, वो केरला में क्या करते हैं, और वो जेएनयू में क्या करते हैं? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कहते हैं, आर्टिकल 19(1) कहता है एवरी सिटीजन हैज राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, लेकिन 19(2) कहता है देयर आर सर्टेन राइडर्स, कि पब्लिक ऑर्डर के ना हो, पब्लिक मोरालिटी के खिलाफ ना हो, हमारे देश की संप्रभुता यूनिटी के खिलाफ ना हो, और इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस नहीं होना चाहिए। अब देखें कि इनके कर्तृत्व ने क्या किया, आपको ध्यान होगा कितना स्पाइरलिंग इफेक्ट हुआ है जेएनयू की घटना का। मुझे ध्यान आता है कि फरवरी के माह में जब सिक्योरिटी फोर्सेस पर पत्थरबाजी हुई, लोगों के हाथ में आईएसआईएस के फ्लैग्स थे, पाकिस्तानी झंडे थे, अफजल गुरु के पोस्टर्स थे, तो बड़ा सा बैनर था थैंक यू जेएनयू। जादवपुर यूनिवर्सिटी में जो मार्च निकली उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कश्मीर बोले आजादी, नागालैंड बोले आजादी, मणिपुर बोले आजादी, छीन के लेंगे आजादी। कश्मीर यूनिवर्सिटी में क्या स्लोगन्स लगे, कितने कन्हैया पकड़ोगे, घर घर से कन्हैया निकलेगा, हिंसा भड़की है, डिसऑर्डर हुआ है, लॉलेसनेस हुई है, ये केवल और केवल राजद्रोह है और कुछ नहीं है। ये मैं नहीं कह रही हूं, ये कह रही है कन्हैया कुमार का बेल का जजमेंट लिखने वाली जज साहिबा। जज साहिबा ने जो कन्हैया कुमार का 23 पेज का बेल ऑर्डर आया है उसमें कहा है चारों ओर वसंत ऋतु है, शांति के फूल चारों ओर रंग बिरंगे फूल हैं, क्या कारण है कि जेएनयू में शांति के फूल नहीं है? इसका जवाब देना होगा वहां के टीचर्स को, वहां के स्टूडेंट्स को, वहां की एडमिनिस्ट्रेशन। पूरे भारत का जब भ्रमण किया 16 वर्ष की आयु में आदि शंकराचार्य ने, तो केरल में पैदा हुए और केदारनाथ में प्राण छोड़े, चारों जगह अपने मठ की स्थापना की। और जब भगत सिंह फांसी के फंदे को चूमने जा रहे थे 23 मार्च 1931 को, तो उन्होंने शिवाजी को याद किया जो महाराष्ट्रियन थे, रानी लक्ष्मीबाई को याद किया जो मध्य प्रदेश की थी, वो खुद पंजाब से थे, कि मेरा रंग दे बसंती चोला, इसी चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान से, इसे पहन झांसी की रानी मिट गई अपनी आन पे, आज उसी को पहन के निकला हम मस्तों का टोला। और आखिरी बात, अरविंदो से कहा गया तुम्हारा रिश्ता क्या है भूमि के साथ, उन्होंने कहा भूमि मेरी माँ है, मैं भूमि का पुत्र हूं। उन्होंने एग्जाम्पल दिया इंडोनेशिया का, इंडोनेशिया में मैक्सिमम मुस्लिम्स हैं,
उनका राष्ट्र इस्लामिक राष्ट्र है, पर उनके बच्चे जब प्राइमरी एजुकेशन में जाते हैं तो चित्रों के साथ रामायण और महाभारत की पढ़ाई कराई जाती है। वहां पर देवी विद्या की सरस्वती की पूजा होती है, ज्ञान के देवता गणेश की पूजा होती है। इंडोनेशिया की एयरलाइंस का नाम है गरुड़, जो विष्णु वाहन है। वहां का कॉन्स्टिट्यूशन के पहला वाक्य है धर्मो रक्षति रक्षता। महर्षि अरविंद ने कहा कि वहां लोगों से पूछा गया, तुम तो मुस्लिम हो, इस्लामिक राष्ट्र है, तुम कहां हिंदू देवी देवताओं की बात करते हो? उन्होंने कहा, हमने अपना मजहब बदला है, अपनी संस्कृति और सभ्यता नहीं बदली। वी हैव नॉट चेंज आवर हिस्टोरिकल लीगेसी। इसलिए अपना अपना गिलहरी प्रयास जारी रखिए। ये जो गिलहरी प्रयास है कि जब राम सेतु बन रहा था, नल नील हनुमान स्वयं श्री राम मौजूद थे, एक गिलहरी पानी में कूदती रेत पर आती, पानी में कूदती रेत पर आती। उसे पूछा, गिलहरी पगला गई हो क्या, क्या कर रही हो? उसने कहा, यहां तो स्वयं श्री राम मौजूद हैं, मैं तो अपना गिलहरी प्रयास कर रही हूं। इसलिए लगे रहिए, व्हाट्सएप पर कंटेंट शेयर करते रहिए, फेसबुक पे कंटेंट शेयर करते रहिए, क्योंकि आक्रमण जो हो रहा है वो यूनिवर्सिटीज में हो रहा है, हमारे युवा पर भी हो रहा है। इसलिए आज मैंने सूर्य से बस जरा यूं ही कहा, आपके साम्राज्य में इतना अंधेरा क्यों रहा, तम तमा के वो दहाड़ा मैं अकेला क्या करूं, तुम बेफिक्रों के लिए मैं भला कब तक लड़ूं, आकाश की आराधना के चक्रों में मत पड़ो, संग्राम यह घनघोर है, कुछ मैं लड़ूं कुछ तुम लड़ो। जय हिंद, जय भारत।